Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are safe at home. Students, today we will read lesson 6, Sing Bird Sing. So let's get started. Once upon a time, there was a robin who loved to sing. एक बार की बात है, एक रोबिन था जिसको सिंगिंग बहुत पसंद थी. वन क्रिसमस मॉर्निंग ही मेट अ ग्रे कैट. एक दिन क्रिसमस की सुबह उसे कौन मिला? ग्रे कैट मिली. द ग्रे कैट वॉज गोइंग फॉर अ वॉक. जो ग्रे कैट थी वो कहाँ जा रही थी? मॉर्निंग वॉक पर. गुड मॉर्निंग रॉबिन रेड ब्रेस्ट, वेयर आर यू गोइंग दिस कॉल्ड मॉर्निंग? ग्रे कैट से गुड मॉर्निंग टू रॉबिन रेड ब्रेस्ट. जो ग्रे कैट थी उसने रॉबिन रेड ब्रेस्ट को मॉर्निंग विश किया और उससे पूछा कि वो सुबह सुबह कहाँ जा रही है. ही रिप्लाइड आई एम फ्लाइंग टू द किंग टू सिंग हिम अ क्रिसमस सॉन्ग. कि मैं किंग के पास जा रही हूँ उन्हें क्रिसमस सॉन्ग सुनाने. Before you go hop down the tree, I will show you the pretty muffler around my neck. ग्रे कैट ने रॉबिन से कहा, Before you go, जाने से पहले hop down the tree, तुम फुदक कर पेड़ से नीचे आओ. I will show you the pretty muffler around my neck, जो मेरे गले में चारों तरफ जो pretty muffler है, जो सुंदर muffler है, वो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ. हा हा ग्रे कैट, यू कांट ट्रिक मी, आई विल नॉट कम डाउन, आई एम फ्लाइंग स्ट्रेट टू द किंग. रॉबिन ने रिप्लाई किया हंसते हुए कि तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती. आई विल नॉट कम डाउन, मैं नीचे नहीं आऊंगा, आई एम फ्लाइंग स्ट्रेट टू द किंग, मैं तो सीधा उड़कर किंग के पास जा रहा हूँ. रॉबिन स्प्रेड His wings and flew away. Robin ने अपने विंग्स फैला लिए और वहां से उड़ गया. He flew until he came to a hillside. और वह तब तक उड़ता रहा जब तक वह hillside पर नहीं पहुंचा. Here he saw a fox near a hall. वहां उसने एक बिल के पास एक फॉक्स को, लोमड़ी को देखा. गुड मॉर्निंग रॉबिन रेड ब्रेस्ट, वेयर आर यू गोइंग दिस कॉल्ड मॉर्निंग? जो फॉक्स थी उसने भी सेम क्वेश्चन किया, उसको मॉर्निंग विश किया और उसके बाद उससे पूछा कि वो सुबह सुबह, ये जो ठंडी सुबह है, इसमें कहाँ जा रहा है. आई एम फ्लाइंग टू द किंग टू सिंग हिम अ क्रिसमस सॉन्ग. मैं राजा के पास उड़कर जा रहा हूँ उन्हें एक क्रिसमस का सॉन्ग सुनाने के लिए. द फॉक्स स्माइल्ड. अब जो फॉक्स थी उसने स्माइल किया. ही ट्राइड टू स्टॉप रॉबिन. उसने रॉबिन को रोकने का प्रयास किया. बिफोर यू गो लेट मी शो यू द लवली ब्लैक स्पॉट ऑन माय टेल. अब उसने भी सेम ट्रिक अप्लाई की उसको बेवकूफ बनाने के लिए, कि कहा कि जाने से पहले तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जो मेरी टेल पर, पूंछ पर एक ब्लैक स्पॉट है वो दिखाना चाहती हूँ. हा हा स्लाई फॉक्स, आई डोंट वॉन्ट टू सी द स्पॉट ऑन योर टेल, आई एम फ्लाइंग स्ट्रेट टू द किंग. रॉबिन ने हंसते हुए कहा, मूर्ख लोमड़ी, आई डोंट वॉन्ट टू सी द स्पॉट ऑन योर टेल, कि मैं तुम्हारी टेल पर जो स्पॉट है उसे देखना नहीं चाहता. आई एम फ्लाइंग स्ट्रेट टू द किंग, और मैं तो सीधा उड़कर किंग के पास जा रहा हूँ. नाउ ऑन पेज नंबर 64, रॉबिन रेड ब्रेस्ट फ्लू एंड फ्लू. अब जो रॉबिन रेड ब्रेस्ट था वो उड़ता गया. ही नेवर स्टॉप टू रेस्ट. उसने रेस्ट करने के लिए कहीं पर भी नहीं रुका. देन रॉबिन सा अ स्मॉल बॉय. उसके बाद रॉबिन ने एक छोटे लड़के को देखा. गुड मॉर्निंग रॉबिन रेड ब्रेस्ट, वेयर आर यू गोइंग दिस कॉल्ड मॉर्निंग? सेम क्वेश्चन उस बॉय ने उससे किया कि
पहले उसको मॉर्निंग विश किया और उसके बाद पूछा कि वह सुबह सुबह कहाँ जा रहा है। आई एम गोइंग टू सिंग अ क्रिसमस सॉन्ग फॉर द किंग। मैं सुबह सुबह क्रिसमस सॉन्ग सुनाने के लिए राजा के पास जा रहा हूँ। कम हेयर आई विल गिव यू सम ब्रेड। उसने कहा मेरे पास आओ मैं तुम्हें कुछ ब्रेड देता हूँ। नो थैंक यू आई एम फ्लाइंग स्ट्रेट टू द किंग। उसने कहा नहीं धन्यवाद मैं तो सीधा उड़कर राजा के पास जा रहा हूँ। रॉबिन रीच द किंग्स पैलेस। अब जो रॉबिन था वो फाइनली राजा के महल में पैलेस में महल उसमें पहुंच गया। ही सैट ऑन अ विंडो सिल और वो विंडो सिल यानी कि जो विंडो की जो बाउंड्रीज होती हैं उसके ऊपर बैठ गया। ही सैंग द स्वीटेस्ट क्रिसमस सॉन्ग ही न्यू। उसके बाद उसने बहुत ही मधुर क्रिसमस का सॉन्ग जो वो जानता था उसको गाना शुरू कर दिया। रॉबिन रेड ब्रेस्ट वॉज हैप्पी बिकॉज इट वॉज क्रिसमस। अब जो रॉबिन रेड ब्रेस्ट था वो बहुत ज्यादा खुश था। क्यों? क्योंकि उस दिन क्रिसमस था। अब जो राजा था उसने उसकी आवाज सुनी। ही हैज कम सो फार टू सिंग फॉर अस व्हाट गिफ्ट कैन वी गिव हिम। अब राजा ने कहा कि ये बहुत दूर से उड़कर हमारे पास आया है तो हम उसे क्या गिफ्ट दे सकते हैं। आई नो व्हाट वी कैन डू वी कैन फाइंड हिम अ फ्रेंड। रानी ने कहा मैं जानती हूँ कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं हम उसके लिए उसका एक फ्रेंड ढूंढ देंगे। लेट अस आस्क वन ऑफ अवर हेल्पर्स टू फाइंड हिम अ फ्रेंड। उसने कहा कि हम अपने हेल्पर्स से यानी कि जो उनके वहां पर सर्वेंट्स थे नौकर थे उनसे कहेंगे कि वो उनके लिए एक फ्रेंड ढूंढकर लाएं। द किंग सेंट फॉर वन हेल्पर। अब जो राजा था उसने एक हेल्पर को भेजा प्लीज फाइंड अ फ्रेंड फॉर रॉबिन रेड ब्रेस्ट। उन्होंने कहा कि जो रॉबिन रेड ब्रेस्ट है उसके लिए जल्दी ही एक फ्रेंड ढूंढकर लेके आओ। अब जो हेल्पर था उसने क्या रिप्लाई दिया। आई नो अ बर्ड नेम्ड जेनी रेन हु लिव्स इन शी लिव्स इन द किचन कोर्टयार्ड। कि उसने कहा कि मैं एक ऐसे बर्ड को जानता हूँ जिसका नेम जेनी रेन है और वो कहाँ रहती है किचन के कोर्टयार्ड में किचन के आंगन में। प्लीज ब्रिंग हर हेयर। राजा ने आदेश दिया कि कृपया उसे उठाकर यहाँ लेके आओ। रॉबिन रेड ब्रेस्ट एंड जेनी रेन बिकेम फ्रेंड्स। अब रॉबिन और जेनी दोनों फ्रेंड्स बन गए। दे सैट साइड बाय साइड ऑन द विंडो सिल। अब वो दोनों एक साथ विंडो सिल पर बैठने लगे। रॉबिन रेड ब्रेस्ट एंड जेनी रेन सैंग मैनी स्वीट क्रिसमस सॉन्ग। अब रॉबिन और जेनी दोनों मिलकर बहुत मधुर क्रिसमस के सॉन्ग्स गाते थे। अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है आप इसकी रीडिंग कीजिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।